नमस्कार साथियों आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषिका ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है साथियों हम सभी साथियों की ड्यूटी विधानसभा निर्वाचन 2022 में लगाई गई है और इस निर्वाचन कार्य में खासतौर से मतदान प्रक्रिया के दौरान हमसे एक सूचना बहुत ज़रूरी मांगी जाती है हर दो घंटे बाद और वो ये है कि मतदान कितने प्रतिशत हुआ कितने वोटर्स ने वोट डाले इसका हर दो घंटे बाद जैसे नौ बजे ग्यारह बजे एक बजे तीन बजे पाँच बजे इस तरीके से क्रम में हमसे सूचना मांगी जाती है पीठासीन से और पीठासीन अपने प्रथम मतदान अधिकारी से पूछता है अपने और साथियों से मतदान अधिकारी जो द्वितीय उनसे कि कितने महिला पुरुष हो गए हैं कुल कितने वोट हो गए हैं तो इसकी गणना हमें बहुत ही सावधानी से रखनी है इसको देखते हुए मैंने एक फॉर्मेट बनाया है वो बहुत ही इजी है और मुझे विश्वास है कि अगर आप उस फॉर्मेट को यूज़ करेंगे और हमारी बताई गई विधि के अनुसार कार्य करेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा अपने जो गणना हमें करनी है उसको और ये पता लगाना कि महिला पुरुष किस तरीके से हम कैलकुलेट करें कि आसानी से बता सकें कि कोई पूछे तो हम तुरंत उसे बता सकते हैं उस फॉर्मेट के द्वारा और साथ ही साथ उसमें एक और सूचना मांगी जाती है कि कितने वोटर्स ने अपनी वोटर आईडी का प्रयोग किया तो ये सारी सूचना एक फॉर्मेट में हमें आसानी से मिल सकती है आइए हम जाने कि वो किस तरीके से हम उस फॉर्मेट पर काम करें हमें किस तरीके से उस फॉर्मेट पर काम करना है जिसके द्वारा आपको कार्य करना आसान हो जाए यदि आपको हमारी इस वीडियो जो हमारी जो कोशिश है हमारा जो प्रयास है अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा साथियों जब हम इतने सारे मैसेज शेयर करते हैं अपने दोस्तों में हाय हेलो बोलते हैं गुड मॉर्निंग करते हैं गुड नाइट करते हैं तो अगर हम अपने काम की चीज़ भी अगर शेयर करें तो हमारे साथियों को वो सुविधा मिलेगी क्योंकि हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य है हमारे शिक्षक भाई बहन जो भी हमारे निर्वाचन कार्य में लगे हैं उनको कोई असुविधा किसी प्रकार की भी ना हो और जो भी सुविधा हमारे द्वारा अगर आप तक पहुँच रही है तो आप उसका ज़रूर फ़ायदा लें और यदि आप उससे लाभान्वित होते हैं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है तो आइए देखते हैं कि इस फॉर्मेट पर हम किस तरीके से कार्य करें और यदि आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगे कार्य प्रणाली अच्छी लगे तो आप अगर इस फॉर्मेट को चाहते हैं लेना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आप उस टेलीग्राम चैनल से हमारी ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आइए देखते हैं कि महिला पुरुष की गणना का जो पत्रक है वो उस पर कैसे कार्य करना है जी हां साथियों यह है महिला पुरुष मतदाता गणना पत्रक जी आप पहले यह देख लीजिए कि किस तरीके से इस पर कार्य किया गया है ये देखिए सबसे पहले जो इसमें लिखा है सूची का योग सूची का योग यानी जो हमें वोटर लिस्ट दी गई है हम उसमें से पुरुष महिला लिख लेंगे देखिए इस जो वोटर लिस्ट दी गई इसमें पुरुष हैं चार सौ छियासी हैं दो सौ छब्बीस और टोटल वोटर्स हैं सात सौ बारह देखिए परसेंटेज निकालने का फार्मूला भी दिया गया है परसेंटेज अभी मैं बताऊंगा पहले देखते हैं इस पर कैसे कार्य करना है तो जब हमारा मतदान शुरू हुआ तो आप देख रहे हैं ये पुरुष का कालम बना हुआ है और ये महिला का तो हम क्या करते जाते हैं पुरुष आते हैं तो पुरुष की तरफ हमें कट लगाते जाते हैं और महिला है तो महिला की तरफ और साथ ही साथ में एक काम और हम इसमें नया जोड़ दिया है कि यदि कोई अपनी वोटर आईडी लेकर आता है तो हम इसमें वी बना देंगे ये देखिए ये वोटर आईडी लेके आई हैं महिला तो यहाँ बी बना दिया गया है फिर यहाँ पर देखिए ये पुरुष लेके आए आई हैं वोटर आईडी क्योंकि जो हमारा फॉर्मेट है उसमें एक सूचना ये भी मांगी गई है कि कितने मतदाताओं ने वोटर आई का प्रयोग करते हुए मतदान किया जी हाँ तो यहाँ पर वी लिख दिया यहाँ पर और इस तरीके से आप देख रहे हैं सबसे पहले जो रिपोर्ट मांगी जाती है वो नौ बजे मांगी जाती है सात तो से नौ बजे का जो टाइम है तो यहाँ पर हमने नौ बज गए और यहाँ टाइम दिया तो नौ बजे यहाँ पर हमने एक देखिए सर्किल बना दिया है पुरुष में और ये महिला में तो इसका मतलब क्या है पुरुष नौ बजे कितने वोट डाले हैं अट्ठाइस पुरुष ने वोट डाले हैं और महिलाओं कितनी हैं अठारह महिलाओं ने नौ बजे तक वोट डाले हैं तो हम इसको अपनी इस लिस्ट में शो कर देंगे यहाँ पर लिखेंगे पुरुष कितनी है अट्ठाईस हैं और महिला कितनी अठारह फिर इस तरीके से हम कट लगाते जाएंगे पुरुष की तरफ और महिलाओं की तरफ भी अगर वोटर आईडी आती जा रही है तो हम वीब लगाते जा रहे हैं और यहाँ पर करते जाएंगे तो आप देख रहे हैं जब दूसरा जो टाइम है वो पूछा जाता है ग्यारह बजे और जैसे ही ग्यारह बजे हमने यहाँ पर देखिए सर्किल लगा दिया पुरुष में और महिला कहाँ पर है ये ग्यारह बजे बावन यानी पुरुष कितने हो गए ग्यारह बजे तिहत्तर और महिलाएं कितनी हैं बावन तो हम यहाँ पर इसको अपनी रिपोर्ट में नीचे लिख देंगे कि पुरुष हैं ग्यारह बजे तिहत्तर और महिलाएं हैं बावन कुल वोट हो गए एक सौ पच्चीस फिर हम आगे बढ़ते हैं ग्यारह बजे के बाद फिर हम कट लगाते जाते हैं वी लिखते जाते हैं और ग्यारह बजे के बाद अगली रिपोर्ट पूछी जाती है एक बजे तो जब हम एक बजे पहुंचे तो यहाँ पर देखिए पुरुष एक बजे रुके हैं आप देख रहे हैं ये एक बजे हमने यहाँ पर लिख दिया सर्कल बना दिया एक बजे लिख दिया है और महिला कहाँ पर हैं महिला ये हैं एक बजे यहाँ पर सर्कल यानी महिला हैं एक और हमारे पुरुष कितनी हैं एक तो हम यहाँ पर लिख देंगे देखिए एक बजे के टाइम पर पुरुष हैं 150, महिला हैं 102, टोटल वोट हो गए दो सौ फिर एक बजे के बाद फिर हमने वोटिंग शुरू कर दी और अपनी गणना हम करते जा रहे हैं और आप देख रहे हैं जब एक बजे के बाद फिर आती रिपोर्ट हमारी तीन बजे तो हम पुरुष पे चल रहे हैं तो पुरुष की तीन बजे आ गई काउंटिंग यहाँ पर ये पहुँच गए हम एक सौ सत्तानवे पर और तीन बजे महिला कहाँ पर है महिला देखिए एक बजे यहाँ पर थी तो हम यहाँ चलते महिलाओं ने कम वोट डाला तो इस प्रकार से तीन बजे जो है एक सौ छब्बीस महिलाएं हैं और पुरुष कितने हैं एक सौ सत्तानवे तो हमने देखिए यहाँ पर इसको नोट कर लिया है तीन बजे एक सौ सत्तानवे पुरुष हैं एक सौ छब्बीस महिलाएं हैं कुल वोट हो गए तीन सौ तेईस तीन बजे के बाद फिर हम पुरुष आगे बढ़ाए और बढ़ते गए तो यहाँ पर देखिए पांच बजे और पांच बजे यहाँ पर सर्किल लगा दिया हमने पांच लिख भी दिया तो पुरुष हो गए हमारे दो सौ इकतीस और महिलाएं कहाँ पर हैं ये तीन बजे के बाद हम चले तो यहाँ पर पाँच बजे महिला यानी एक सौ इकतालीस तो हमने नोट करके यहाँ पर लिख दिया पाँच बजे महिला पुरुष हैं हमारे दो सौ इकतीस और महिला हैं एक सौ इकतालीस टोटल वोट होगा गए तीन सौ बहत्तर और पाँच बजे के बाद अगर देख रहे हैं तो महिलाओं ने कोई वोट नहीं डाला है जबकि हमारे पुरुष ये एक दो तीन तीन पुरुष बढ़ गए हैं तो इस प्रकार से हमारा टोटल हो गया है पुरुष दो सौ चौंतीस दो तो सौ पुरुष हो गए हैं महिला हैं हमारी एक टोटल वोट हो गए हैं तीन अब देखिए यहां पर कैलकुलेट कैसे किया गया है देखिए फार्मूला भी लिखा हुआ है समय अनुसार महिला पुरुष का योग जी हाँ बटे सूची में अंकित महिला पुरुष का योग गुण सौ जी हां तो समय अनुसार योग है महिला पुरुष का कितना है जैसे नौ बजे का हमें परसेंटेज निकालना है तो छियालीस है तो छियालीस बटे सूची का महिला पुरुष का योग कितना है सात सौ बारह यानी छियालीस बटे सात सौ बारह गुणे सौ जब हम इसी कैलकुलेशन करेंगे आएगा सिक्स पॉइंट फोर सिक्स ऐसी एक सौ पच्चीस बटे सात सौ बारह सत्रह पॉइंट छप्पन दो सौ बावन बटे सात सौ बारह पैंतीस पॉइंट उनतालीस प्रतिशत तीन सौ तेईस बटे सात सौ बारह गुणे सौ तो हमारा आ जाए पैंतालीस पॉइंट छत्तीस और तीन सौ बहत्तर बटे सात सौ बारह गुणे सौ बावन पॉइंट चौबीस और तीन सौ पचहत्तर बटे सात सौ बारह गुणे सौ करेंगे तो हमारा प्रतिशत होएगा बावन पॉइंट सड़सठ जी हाँ ये तो हमारी कैलकुलेशन हो गई महिला पुरुष की परसेंटेज भी निकाल लिया अगर हमसे पूछा जाता है कि कितने पुरुष महिलाएं टोटल पूछा जाता है कितने लोगों ने वोटर आईडी का प्रयोग किया तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर वी भी काउंट कर सकते हैं वी काउंट कर लेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सत्रह तो सत्रह पुरुष लोगों ने वोटर आईडी का प्रयोग किया ऐसे महिलाओं का भी काउंट कर लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ केवल आठ तो सत्रह आठ पच्चीस पच्चीस हमारे मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने वोटर आईडी का प्रयोग किया है तो देखा आपने कितने सरल तरीके से हम इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और जो भी समय समय पर हमसे पूछा जाता है महिला पुरुष का उसकी हम गणना करते जाते हैं और हमारा कार्य आसान हो जाता है ये कार्य पीठासीन अपने प्रथम मतदान अधिकारी के जिम्मे इसको कार्य संपन्न कराना है तो जो प्रथम है मतदान अधिकारी उनका निवेदन है कि बिल्कुल अगर केरता यानी बिल्कुल सही तरीके से वो कार्य करेंगे इसको टिक लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत होगी यदि आप इस तरीके का फॉर्मेट चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल कर अपने साथ ले जा सकते हैं और वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे तो आपका कार्य सरलतापूर्वक हो जाएगा आप सकुशल मतदान संपन्न कराकर अपने घर वापस आएँ ऐसी आशा के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे नमस्कार